अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ अबू बकर। आज की वीडियो का टॉपिक है प्लास्टर के बारे में। इसके सात स्टेप हैं। स्टेप नंबर वन, सबसे पहले दीवार की क्यूरिंग मींस तरई अच्छी तरीके से करें। और स्टेप नंबर टू, दूसरा मरला मिसाले की छाप को लगाने का होता है। प्लास्टर में हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए। एक हिस्सा सीमेंट और तीन हिस्से रेत के होने चाहिए। और मिसाले की मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मिसाले को जाले की मदद से छान के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद कंकर वगैरह कुछ भी मौजूद ना हो जो दुराने प्लास्टर कारीगर को आसानी हो। इसमें एरोसेंट रेत का भी इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, प्लास्टर मोटा या मिसाले कई ज़्यादा या कई कम वहाँ होता है जहाँ चुनाई सही ना हो, इसलिए चुनाई साफ़ सुथरी होनी चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अगर चुनाई साफ़ सुथरी नहीं होगी तो कन्फर्म आपका प्लास्टर साफ़ नहीं होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चुनाई हमेशा साफ़ सुथरी होनी चाहिए, इसलिए अच्छे कारीगर का इस्तेमाल करें। प्लास्टर साफ़ सुथरा होगा तो हमारे घर का पेंट साफ़ होगा, तो दीवारें वो साफ़ सुथरी दिखाएंगी। स्टेप नंबर थ्री, दोस्तों इस मरले में कांडी को छाप के ऊपर प्रेस किया जाता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। स्टेप नंबर फोर, दोस्तों जब दीवारें बहुत ज़्यादा क्यूरिंग हो जाए तो इसके ऊपर खुश्क मिसाले को डाला जाता है, इसको मज़ीद मजबूत करने के लिए। एक रबड़ी भी होती है, वो वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर दीवार की क्यूरिंग सही तरीके से ना हो। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जहाँ पर दीवारें ज़्यादातर हो जाएं। स्टेप नंबर फाइव, बहुत ही अहम स्टेप है फट्टी का प्रोसेस। फट्टी को चारों तरफ से इक्वली तौर पर फेरा जाता है, जो कि ऊपर लगा हुआ एक्स्ट्रा मिसाला होता है वो नीचे आ जाए। और नीचे बोरों को भी बिछा देना चाहिए ताकि मिसाला ज़ाया ना हो। ये बहुत ही अहम प्रोसेस होता है। और दोस्तों, प्लास्टर को चेक करने का तरीका भी फट्टी के ज़रिए देखा जाता है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगा। स्टेप नंबर सिक्स, इस स्टेप में गरमाले को ऊपर फेरा जाता है ताकि इसमें जो सुराख रह जाते हैं उसको भरा जा सके। ये
स्टेप नंबर 7, ये लास्ट स्टेप होता है, इसमें फोम को ऊपर फेरा जाता है ताकि इसको खूबसूरती और शाइन देने के लिए। जो दीवार के नीचे की साइड है इसका भी यही प्रोसेस होता है। प्लास्टर की क्यूरिंग गर्मियों में 3 से 4 टाइम करें ताकि प्लास्टर ज़्यादा मजबूत हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।